इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्वेस्टमेंट के, ये मैं आपको एक ट्रिक भी बताने लगा हूँ। बाइंग अगर आपकी सॉलिड है, अगर आपको चीज़ खरीदना आती है, इट मीन्स आपको बिजनेस करना आता है। बेच तो सभी लेते हैं, मार्केट में जो रेट चल रहा है उस पर या उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। खरीदना फन है, आप किस अंदाज से चीज़ खरीद रहे हैं, और असल प्रॉफिट आप खरीदते वक्त कमा लेते हैं, बेचते। आजकल मेरा एक इन्वेस्टर मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, मुझे फ़ोन भी नहीं करता, हालांकि पहले रोज़ किया करता था, हालचाल पूछा करता था। लास्ट एक जगह पे हमारा टाकरा भी हुआ, उसने मुझे कोई लिफ्ट शिफ्ट नहीं करवाई, इग्नोर किया और चला गया। मामला कुछ यूँ है कि लास्ट ईयर उसके पास कुछ अमाउंट थी, उसकी कोई पार्टनरशिप डिसॉल्व हुई थी, बिजनेस से पैसा रिलीज हुआ था, कुछ 4 करोड़ रुपये के करीब अमाउंट थी, 3 करोड़ रुपये कैश और 1 करोड़ रुपये की कोई प्रॉपर्टी थी तो थी जो बेचनी थी। तो उसने मुझे कहा कि यार ये पैसा आप रख लो और इसका बिजनेस करो, और हम बाद में जो है वो इसका जो रिटर्न होगा वापस में शेयर कर लेंगे। मैंने रिफ्यूज़ कर दिया, क्योंकि उस वक्त ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी या कि मैं उसका पैसा बिजनेस में डालता। तो उसने मुझे काफ़ी दफ़ा कहा, जितनी दफ़ा कहा मैंने उतनी दफ़ा उसको रिफ्यूज़ किया, तो आज वो इसी वजह से मुझसे नाराज़ है। एक्चुअल में इसमें 2-3 चीज़ें हैं। आपका पैसा हमारे लिए एक अमानत होता है, और उस पर अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है तो हम इन्वेस्टमेंट करवाते ही नहीं हैं। हम ऐसे नहीं बैठे हुए कि आप पैसा लेके आएंगे और हम हर वक्त आपको कह देंगे कि आप चीज़ ले रहे, हम रिफ्यूज़ भी करते हैं। तो रिफ्यूज़ल को क्लाइंट बाज का समझता है कि यार हम तलख कलामी कर रहे हैं या मना कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़, हम कैश को लेके अपने बिजनेस में नहीं डालते, हम उसकी कोई चीज़ आपको बाय करवा के देते हैं जिसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास होते हैं, आप ओनर ऑफ दैट स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होते हैं। इस तरह हम एज एन इन्वेस्टर काम कर रहे होते हैं, हम आपके कैश को अपने बिजनेस में ऐसे नहीं डाल रहे होते। और मैं ज़ाती तौर पर किसी के पैसे को अपने पास रखता ही नहीं, कोई ज़िम्मेदारी मुझसे ज़िम्मेदारी रखी ही नहीं जाती, ठीक है। चीज़ आपको ले कर दूँ, दैट्स इट, ये चीज़ होती है। अच्छा, मार्केट की सिचुएशन क्या होती है? जब हम मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए तशरीफ लाते हैं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इन्वेस्टमेंट के, ये मैं आपको एक ट्रिक भी बताने लगा हूँ। बाइंग अगर आपकी सॉलिड है, अगर आपको चीज़ खरीदना आती है, इट मीन्स आपको बिजनेस करना आता है। बेच तो सभी लेते हैं, मार्केट में जो रेट चल रहा है उस पर या उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। खरीदना फन है, आप किस अंदाज से चीज़ खरीद रहे हैं, और असल प्रॉफिट आप खरीदते वक्त कमा लेते हैं, बेचते वक्त प्रॉफिट असल नहीं होता। ये हमारे बड़ों ने हमें सिखाई है कि भाई आप जब चीज़ बाय करते हैं उस वक्त उसकी क्या सिचुएशन है, क्या उसके मतलब खदोखाल हैं, फीचर्स हैं, रियलिटीज़ हैं, उसकी मतलब जो प्रॉपर्टी है उसकी असल वैल्यूएशन क्या है, ये चीज़ों का, सारी चीज़ों का ख्याल रखना। और जो बेच रहा है उसकी सिचुएशन, उसकी साइकी क्या है, और आपने किस लेवल से किस लेवल तक की कोशिश करनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। अब आप लेट्स सपोज 80 लाख रुपए की एक प्रॉपर्टी है, आप ले लेते हैं 1 करोड़ रुपए की, उसके फ्यूचर डायनामिक्स को डीलर आपके जेन में डाल देता है कि फ्यूचर में ये होगा वो होगा, वो आपको महंगी खरीद देता है, आपको पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, वो आपकी लाइक 85 लाख की निकलती है। तो असल में प्रॉपर्टी ने प्रॉफिट गेन किया है, 80 लाख की चीज़ 85 की निकली है, 5 लाख गेन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, लेकिन आपको लॉस हुआ है। आपको लॉस क्यों हुआ है? क्योंकि आपने चीज़ खरीदी ही महंगी थी। अगर आप मेरे पास आएंगे तो मैं कहूँगा कि भाई मैं उसकी वैल्यूएशन करूँगा कि भाई ये 80 लाख की चीज़ है, 79 में लेके दे दूँ या 81 में लेके दे दूँ, इससे ऊपर नहीं जाना, क्लाइंट का प्रॉफिट मार्जिन नहीं रहेगा। इसकी वैल्यूएशन ये है, इसकी सिचुएशन, इसकी असलियत ये है प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी को बाय करते वक्त कभी भी आर्टिफिशियल माइंडेडनेस के साथ नहीं आना, आपने मस्नूई जहनीत के साथ नहीं आना, उसकी फजूल चीज़ों को दिमाग में नहीं रखना कि भाई यहाँ पे ये होगा, ये इस तरह की चीज़ है, वो है, ऐसे है, वैसे है, कमीशनों को आपने उसकी इस तरह की वैल्यूएशन करनी है कि आप उसमें से गेन कर सकें फ्यूचर के हवाले से। और इसके लिए ना एक अच्छे कंसल्टेंट का इंतखाब बहुत ज़रूरी है, लाइक उसको कमीशन दे दें, 1 करोड़ रुपये की चीज़ पे 1 लाख रुपये कमीशन दे दें, वो आपको 20 लाख रुपये सस्ती दे देगा। लेकिन अगर आप नहीं देंगे, आप खुद सियाने बनेंगे या किसी ऐसे डीलर के पास फंसेंगे जो आपको ख्वाब दिखा रहा है, वो आपको लूटेगा, वो आपको गलत चीज़ बाय करके दे देगा, वो आपको गलत चीज़ में फंसा देगा, आप फंसे रहेंगे।
सो मार्केट में बड़े डायलॉग्स चल रहे हैं, बड़ी स्टेटमेंट्स चल रही हैं कि भाई अच्छा बाज़ जगहों की ऑन ग्राउंड चीज़ें भी नहीं बिकती और बाज़ जगहों की ऑफ ग्राउंड की बड़ी डिमांड होती है। सो ऑन ग्राउंड के झांसे में देख के आपकी ऐसी जगह में इन्वेस्टमेंट करवा देते हैं जहाँ पे क्लाइंट आते ही ना। सो फंसिए ना, और इन्वेस्टमेंट के जो ट्रिक्स हैं, जो चीज़ें हैं, जो सिचुएशंस हैं, जो रियलिटीज ऑफ प्रॉपर्टी हैं, राइट वैल्यूएशन है, ये बहुत ज़रूरी होती है। बाकी ये कि हमारे साथ सैकड़ों इन्वेस्टर्स अटैच हैं जो हमारे मशवरे पर अमल करते हैं और चल रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ उनके पास होती हैं, डॉक्यूमेंट्स उनके पास होते हैं, लेके चल रहे हैं और खुश हैं। तो भाई और बाज़ अवकात ऐसे भी होता है कि हम चीज़ों को रिजेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, और वो भी खुश, अगर वो सही दिमाग वाला बंदा होगा तो वो भी खुश होगा कि यार इस चीज़ से हमें मना कर दो। सो रियल एस्टेट के हवाले से आप किसी भी किस्म का मशवरा लेना चाहते हैं, आप हमारे ऑफिसेज़ में विज़िट कर सकते हैं, नंबर हमारे स्क्रीन पे मौजूद होते हैं, व्हाट्सएप करें, कॉल करें, आपको मशवरा देंगे इंशाल्लाह और आपकी अच्छी जगह पर इन्वेस्टमेंट करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।